आप उस पार्टी के साथ वाबस्ता हो जिस पार्टी के सरबरा खिताई चुनाव से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिस पार्टी के सरबरा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिस पार्टी के सरबरा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक कदावर लीडर रह चुके हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर खिताई चुनाव के वसाइल को बेचा जा रहा है, आखिर आपके सरबरा खामोश क्यों है? जो सरकार हम पे मुसलत हुई है वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनका बयान शाम को सुनिए, जब वो कोई अच्छा काम करते हैं, मान लो कहीं किसी सड़क की इनॉग्रेशन करते हैं, तो शाम को हर न्यूज़ चैनल पे आप देखोगे, नेशनल चैनल पे आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के फलानी खिते में सड़क को तामीर किया। आप ब्लैक टॉप की बात लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताते हैं कि देखो भाई हमने यहाँ हर सड़क को ब्लैक टॉप ये हमने किया, बीजेपी सरकार ने किया। जब उनको रोज़गार की बात करो, जब उनको बिजली की बात करो, कहते हैं यहाँ गवर्नर राज कर रहा है, यहाँ बीजेपी का कोई नहीं काम कर रहा है, यहाँ गवर्नर काम कर रहा है। सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि हमारे सरबरा ने जो है जिम्मेवारी सौंपी है चीफ स्पोक्स पर्सन को, लेकिन क्या खिताए चुनाव बहसीत खिताए चुनाव के रिहायशी वो बजाते खुद इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? जो बहरी और गूंगी सरकार है जो लोगों की आवाज़ को हर जगह दबाना चाहती है, एक महजब तरीके से उनके कानून तक आला इकतदार पे बैठे हुए लोगों के कानून तक ये बात पहुंचाना है। बिजली की अदम मौजूदगी में हम एक्सरे नहीं कर सकते, हम अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे दूर की बात है, हम उसके पे पर्ची पे दवाई नहीं लिख सकते हैं, तो ये इससे बड़ी सितम जरीफी और दुख की क्या बात हो सकती है। इस तरह से हमारा हॉस्पिटल में लाइट नहीं है कहीं महीनों से, उसके अलावा हमारे बहुत सारे दफातर में लाइट नहीं है, और खास करके मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो आपने कितनी आवाज उठाई है? आने वाले वक्त में जलजले से कोई किसी डैम को यहाँ नुकसान पहुंचता है तो डायरेक्ट इफेक्ट ये आबादी, ये चिनाब वैली के गांव, चिनाब वैली के ये कस्बा जात हैं, उससे इफेक्ट हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त मैं सब डिवीजन ठाठरी के अंदर मौजूद हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है? बहरहाल यहाँ के प्रोजेक्टों को बेच दिया जाता है, चाहे वो किसी तरह का भी विसाइल हो, उसको मौजूदा सरकार बेचने का काम कर रही है, और उसके साथ साथ यहाँ के जो लीडर हैं उनको दबा के रखा हुआ है, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए मौजूदा सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो सरकार का मन चाहे कर रही है। बहरहाल इसी मौजू पर आज हमारे साथ बात करने के लिए ठाठरी कस्बा से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर जो है असगर हुसैन खानजी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, आखिर बहुत सारे सवालात इनकी पार्टी से हैं, बहुत सारे जॉब इनसे तलब करने हैं, आज हम इनसे ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम। देखिए राजा शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बोलने के लिए एक मौका दिया, और एक अहम इशू पे, एक अहम मुद्दे पे, और एक ऐसा बर्निंग इशू है जिसका ताल्लुक रियासत जम्मू और कश्मीर के हर एक घर के साथ है। असगर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आप उस पार्टी के साथ वाबस्ता हो जिस पार्टी के सरबरा खिताए चुनाव से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिस पार्टी के सरबरा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिस पार्टी के सरबरा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक कदावर लीडर रह चुके हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर खिताए चुनाव के वसाइल को बेचा जा रहा है, आखिर आपके सरबरा खामोश क्यों है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे आपने बोला कि मैं एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं जिसका लीडर न सिर्फ रियासत जम्मू और कश्मीर की सतह पर, हिंदुस्तान की सतह तक आपने बोला, अलबत्त मैं मज़ीद एक लफ्ज़ आगे बढ़ाता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पहचान है, इसमें कोई शक नहीं है। रहा सवाल ये कि वो इस मसले पे जो रिटली प्रोजेक्ट की बिजली यहाँ सेंट्रल की गवर्नमेंट ने बेची है, बैरूनी रियासत में राजस्थान की एक कंपनी ऊर्जा विकास लिमिटेड कंपनी के नाम से है, तो मेरा लीडर या रियासत जम्मू और कश्मीर का लीडर, हमारी पार्टी इस पर खामोश नहीं है। आपकी याद दहानी के लिए मैं ये बताऊँ कि हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सलमान निज़ामी साहब, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने अभी तक दो तीन
चैनलों पे इसके बारे में तफसील के साथ बात की। और मैं आपको ये वसूख के साथ कहूँगा कि जब जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे वो डिमालिश का एक प्रोग्राम चला था, हमारी पार्टी पूरी सड़कों पे उतर आई। उसके बाद जो यहाँ स्टेटहुड की बात है या यहाँ की नौकरियों का मसला है, उस पर हमारा लीडर तगोदो में है, कोशिश में है। और हमारा लीडर जो है वो ज़्यादातर जज्बाती बयानबाजी से काम नहीं लेता है, ना उस पर यकीन रखता है, अलबत्ता प्रैक्टिकली अमल करके वो लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं। तो रिटले प्रोजेक्ट का जहां तक ताल्लुक़ है, मैं ये बताऊंगा कि ये 850 मेगावाट पन बिजली प्रोजेक्ट यहां बनने जा रहा है, जो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में इस वक्त चल रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैं चनाब के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूँ, इस प्रोजेक्ट के पीछे और दो चार प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। और जब इसका डैम बनेगा, इसका डैम पीछे 10-15 किलोमीटर तक वो डैम जब बनेगा, उसका पानी जो सिंक होगा वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के कई इलाकों में, जैसे सरूड़ है, सरथल है, और इसी तरह से मालनई या किश्तवाड़ के नीचे जो ज़मीन है उसके अंदर जब सिंक होगा, तो इस डैम का असर वहाँ पर डायरेक्ट उस आबादी पर पड़ने जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, सब डिवीज़न ठाठरी का हेडक्वार्टर है, आगे हमारा एक छोटा सा कस्बा है, प्रेमनगर है, पुलडोडा है, इसी तरह से आगे से रामबन है, बानिहाल है। खुदा न खास्ता कल को अगर इस डैम में कोई नुक्स पैदा होता है, या जैसे ये जम्मू कश्मीर का खिताई चनाब जो है, ये जूलॉजिकल माइनिंग वालों ने भी बारहा कहा है कि ये जो जलजले आ रहे हैं, ये एक डेंजरस जगह है, हाई एटीट्यूड के यहाँ जलजले आ सकते हैं। अगर आने वाले वक्त में जलजले से कोई किसी डैम को यहाँ नुकसान पहुँचता है, तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट ये आबादी, ये चनाब वैली के गांव, चनाब वैली के ये कस्बा जात हैं, उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है। लेकिन इस वक्त मरकजी सरकार रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को हर तरीके से घुटनों पे ला रही है। बिल्कुल, आपकी बात यहाँ पे काटूंगा मैं, जिस तरह से आपने कहा कि खिताए चनाब जो इस वक्त बुरी हालात में है, उस कगार पे खड़ा है कि किसी वक्त भी अगर कोई बड़ा भूचाल आता है तो इस खिताई चनाब को खतरा है। खुसूसन में अगर ठाठरी की बात करूं, किश्तवाड़ की बात करूं, जो भी इससे आगे इलाके आते हैं, इनको खतरा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि हमारे सरबरा ने जो है जिम्मेवारी सौंपी है चीफ स्पोक्स पर्सन को, लेकिन क्या खिताई चनाब बहसीत खिताई चनाब के रहायशी वो बजाते खुद इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? देखिए, पहला काम चीफ स्पोक्स पर्सन का ये है और हमारी पार्टी के वर्करों का, जिसमें मैं भी, ये है कि इस वक्त जो बहरी और गूंगी सरकार है, जो लोगों की आवाज़ को हर जगह दबाना चाहती है, एक महजब तरीके से उनके कानों तक, आला इकतदार पे बैठे हुए लोगों के कानों तक ये बात पहुँचाना है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है एजिटेशन का, वो एक दूसरा मरहला है। जब पहले मरहले में हम नाकाम होंगे, तो जिस तरीके से यहाँ ज़मीनों के मसले में, डिमालिश के मसले में हमारी पार्टी सड़कों पे आई थी, इंशाल्लाह अगर इसका कोई सदेबाब मरकजी सरकार ने नहीं किया, तो हमारी पार्टी लोगों के मुफाद के लिए यहाँ सड़कों पर उतर सकती है। तो मैं आपको और लोगों की जानकारी के लिए, उनकी याददाश्त के लिए बताना चाहूँगा कि 850 मेगावाट पन बिजली प्रोजेक्ट की बिजली जो है राजस्थान की जो ऊर्जा विकास लिमिटेड है, 40 साल के लिए उनको दी है, जो बहुत अफसोस का मकाम है। आप मुझे बताइए, अगर हमें यहाँ आरआर प्लान यहाँ लागू नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को यहाँ उजाड़ा गया, यहाँ प्रोजेक्ट में नौकरियाँ यहाँ बिहार, यूपी और दूसरे स्टेट बैरूनी रियासतों से लाकर लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिया गया, हमारे नौजवानों को, हमारे दस्तकारों को, हमारे मशीनरी चलाने वालों को यहाँ रोज़गार भी उस तरीके से नहीं मिला, हमें वहाँ से भी दबाया गया। अब कम से कम बिजली यहाँ पर, अगर हमें सिर्फ इस पन बिजली प्रोजेक्ट 850 मेगावाट बिजली, जहाँ लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, ये उम्मीद रख रहे थे कि इसका 10% या 5% चनाब वैली को फ्री बिजली यहाँ मिलेगी, लेकिन आज हम ये उम्मीद खोल बैठे हैं। हम यहाँ तक इस नतीजे पे पहुँचे हैं, लोग चहमगोयां कर रहे हैं कि हमें पैसे दे के भी शायद इस प्रोजेक्ट से बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी आपके चैनल की वसादत से मरकजी सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ, कम से कम 10% बिजली इसमें से खिताई चनाब और रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को सब्सिडी पे दी जाए, जहां ये लोग इस बिजली पालन प्रोजेक्ट से मुतासिर हो रहे हैं, यहां डैम की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, जो यहां से जो अब गर्दा उठ रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं, रोज ज़मीनें छिन गई हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ के लोगों को कम से कम ये हक बनता था गवर्नमेंट का, पहले पड़ोसी, पहले घरवा, वो एक कहावत है कि पहले खेश फिर दरवेश, तो पहले यहाँ के लोगों को बिजली दी जाती,
बहरहाल वो राजस्थान हमारी रियासत है, हमारे मुल्क की रियासत है, पंजाब हमारे मुल्क की रियासत है, लेकिन पहले तो यहाँ बिजली देनी चाहिए, यहाँ लोगों को अंधेरे में। आज मैं आपको बताऊँ 24 घंटे में से 4 या 5 घंटे यहाँ बिजली रहती है, और जब ये बिजली बाहर जाएगी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ 24 घंटे में से 2 घंटे भी बिजली यहाँ रहेगी। इसलिए आपके चैनल की वसातत से, क्योंकि इस गवर्नमेंट वसातत से मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि ऐसा ना हो कि यहाँ लोग सड़कों पे उतर आएँ, क्योंकि यहाँ इस पर मरकजी सरकार की पॉलिसी है, दफ़ा 370 इन्होंने तोड़ा। रात की तारीकी में पूरी फौज यहाँ, आर्मी, CRP, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे लोगों को अपने घरों के अंदर मुकैद रखा और दफ़ा 370 को इलीगली तोड़ा गया। लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बहरहाल वो एक आखिरी और हतमी फैसला है। उसके बाद आप चलिए आप सेक्रेटरेट के अंदर DGP जम्मू कश्मीर का, आप जो गवर्नर के मशीर हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं या दूसरे आला ओहदों पे जितने हमारे जो IPS IAS KS कैडर हैं, उनको घुटनों पे लाने के लिए यहाँ बैरूनी रियासतों से यहाँ हायर अथॉरिटी को लाकर हमारे मुलाजमों के ऊपर, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर मुसलत करके उनको यहाँ घुटनों पे लाया जा रहा है। यहाँ नौकरियों का मसला आप देखिए, नौकरियों के मसले में से यहाँ बैरूनी रियासत से आप यहाँ जो हमारे ये डाकखाना, जिसको हम यहाँ उर्फ आम में बोलते हैं, रसरो रसाइल का जो महकमा है, उसके अंदर आप देखिए यहाँ मुलाजम 10,000 के, 15,000 के, 7,000 के मुलाजम बैरूनी रियासतों में से आए, जो हमारे कहरा में हैं, गुंदों की तहसील में हैं यहाँ, और दूसरे बेहला और थलेला में, तो यहाँ से भी हमारे लोगों को यहाँ घुटनों पर लाया जा रहा है। सियासी एतबार से जो सियासतदान हैं, इलेक्शन न करवा के आज इस वक्त हमें यहाँ हमारी नौजवान जो नस्ल है, जो आज से पहले 18 साल के नहीं हुए थे, आज से पहले 10 साल, अब वो वोट देने के काबिल बन चुके हैं। 24 साल उनकी उम्र हो गई है, 30 साल हो गई है, 26 साल हो गई, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि वोट भी डाले जाते हैं। अब हमारे पास पंचायतें थी, म्यूनसिपल्टियाँ थी, उनकी मुद्दतें भी ख़त्म हो गई, लेकिन एक तरफ से मरकजी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियां ये दावा करती हैं कि यहाँ पे हमने मिलिटेंसी को बिल्कुल दबा दिया है, जीरो टॉलरेंस है, जिसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। और लेकिन दूसरी तरफ से जब इलेक्शन की बारी आती है तो वहाँ ये जो टोकरा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर ये टोकरा फेंका जाता है और उनको रिपोर्ट दी जाती है कि अभी हालात साजगार नहीं है। वो इसलिए हालात साजगार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी रियासत जम्मू और कश्मीर में बगैर जमहूरी निज़ाम के चुनने के बगैर ही और इनडायरेक्ट वो हुकूमत कर रही है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन में कूदें, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हम कराएँ, हम मुंसे ये क्या कहते हैं असम्बली के इलेक्शन कराएँ, तो यहाँ हमें हार का सामना करना पड़ेगा और हमारे हाथ में से कमान निकल जाएगी। यहाँ दूसरी पार्टियाँ जो हैं रियासत जम्मू और कश्मीर के दूसरे लोग आकर हुकूमत करेंगे, जो इनके बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, वो नौकरियों से ताल्लुक़ रखता है, वो कारोबार से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो बिजली की बात लीजिए, राशन की बात, हर तरीके से वो यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को घुटनों पर लाना चाहते हैं, और न जाने इन गुनाहों की सज़ा देकर हमें इलेक्शन से भी महरूम रखा जा रहा है, हमें यहाँ बिजली से भी महरूम रखा जा रहा है, हमें यहाँ नौकरियों से भी महरूम रखा जा रहा है, यहाँ तक कि हमें बात करने का हक भी हमसे छीना जा रहा है। जो इनको सच बोलता है उसके पीछे ये कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि किताए चनाब में जो है यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, चाहे प्राइवेट कंपनियां हैं यहाँ पे, इनमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ आपने इसको लेके क्या कदम उठाया, आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाया आज तक? देखिए, हमारी पार्टी इसमें बहुत कोशिश कर रही है, जगह जगह बात उठा रही है, लेकिन आप देखिए जो सरकार हम पे मुसलत हुई है वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनका बयान शाम को सुनिए, जब वो कोई अच्छा काम करते हैं, मान लो कहीं किसी सड़क की इनाग्रेशन करते हैं, तो शाम को हर न्यूज़ चैनल पे आप देखोगे, नेशनल चैनल पे आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के फलानी खिते में सड़क को तामीर किया। आप ब्लैक टॉप की बात लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताते हैं कि देखो भाई, हमने यहाँ हर सड़क को ब्लैक टॉप, ये हमने किया, BJP सरकार ने किया। जब उनको रोज़गार की बात करो, जब उनको बिजली की बात करो, कहते हैं यहाँ गवर्नर राज कर रहा है, यहाँ BJP का कोई नहीं काम कर रहा है, यहाँ गवर्नर काम कर रहा है। यानी जहाँ कोई इनाग्रेशन करनी है वहाँ ये वो क्रेडिट अपने सर लेते हैं, और जहाँ ये लोगों को जब दबाया जाता है वहाँ ये हाथ खींच लेते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये एक लावा बन रहा है, नौजवान जो है इनसे मायूस है। आप देखिए, मरकजी सरकार दावा करती है कि हमने
नौजवानों के रोज़गार के लिए बहुत सारे वसाइल जो हैं वो फराहम किए हैं। आए दिन टीवी में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं, लेकिन आप जब उन स्कीमों को लागू करने की ज़मीनी सतह पे बात आती है, आप बैंकों के अंदर चले जाइए, आप दफ्तरों के अंदर चले जाइए, किस तरीके से नौजवानों को टार्चर किया जाता है। आप मुझे बता दीजिए, बजाते खुद आप बिल्कुल यहाँ हमारे साथ प्रोजेक्ट है, आप अगर यहाँ की बिजली को बेचा गया तो आप यहाँ बजाते खुद क्या करने वाले हैं? क्या अकेला इस पर हम बात कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले ये एक सोशल, इस वक्त जैसे हमारी मरकजी सरकार जो है, वज़ीर आज़म जो हैं, बहरहाल सबके वज़ीर आज़म हैं, तो एक डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। हम डिजिटल तरीके से अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम होम मिनिस्टर तक, हम यहाँ बिजली जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है वहाँ तक, हम अपने लीडरों के ज़रिए वहाँ तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। एक जमहूरी तरीके से हम बात पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा इस बिजली को अगर आप बेच रहे हैं, कम से कम 40-50% ही और 20-10 साल के लिए, छोटी मुदत के लिए आप एग्रीमेंट कीजिए उसके बाद। और दूसरी सितम ज़रीफ़ी है कि रियासत के किसी भी बाशिंदे को मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किस रेट से ये बिजली बेची है, यहाँ इन्होंने नेगोशिएशन क्या की है, इन्होंने किस रेट से वहाँ दी है, वहाँ से जब उस पैसे से जो वहाँ पे इनका वो रेवेन्यू जो जनरेट होगा उससे हमारे लोग रियासत को क्या फ़ायदा होगा, उससे चनाब वैली को फ़ायदा क्या होगा। तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि अगर ये डैम जब बनेगा, यहाँ बिजली पैदा होगी और बिजली जब यहाँ निकलना, पैदावार जो शुरू होगी, उस वक्त तक अगर गवर्नमेंट ने कोई बोल्ड कदम नहीं लिया कि जिससे यहाँ खुसूसी तौर से चनाब वैली को फ़ायदा नहीं मिला और उमूमी तौर से रियासत को फ़ायदा नहीं मिला, तो वो उस वक्त देखेंगे कि हम पूरे लोग यहाँ खिताई चनाब के लोग सड़कों पे उतरकर जमहूरी तरीके से इस सरकार के कानून तक आवाज़ पहुँचा। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा ठाठरी को लेकर, क्योंकि आप ठाठरी के एक नुमाइंदे हैं लोगों के, ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमारा हॉस्पिटल में लाइट नहीं है कहीं महीनों से, उसके अलावा हमारे बहुत सारे दफातर में लाइट नहीं है, और खास करके मैं हॉस्पिटल की बात करूं, तो आपने कितनी आवाज़ उठाई? देखिए कल इस, ये बहुत अच्छा सवाल किया। कल मैं यहाँ हॉस्पिटल के अंदर गया और मेरे साथ मेरा एक साथी वहाँ थे, हमने यहाँ के डीएमओ शफकत साहब के साथ जब बात की तो उन्होंने ये बताया हमें कि यहाँ हमें इस वक्त फंड्स नहीं है, और जो आज से 15 साल पहले यहाँ ये बिजली का जो ये इन्वर्टर एक सिस्टम लगाया गया था तो वो भी डेड हो चुका है, उसके लिए उन्होंने बताया 2-3 लाख रुपया लगता है। लेकिन हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ आप जनरेटर आप बड़ा एक लाइए जिसको जो 10-12 लाख जिसके ऊपर लागत आएगी, तो उन्होंने साफ एक किस्म का सरेंडर किया। फाइनेंशियल तौर पर उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने सीएमओ साहब, तो हमने सीएमओ साहब के साथ जो मेरे साथ मेरे दोस्त कुलीग वहाँ हम गए थे, तो जब हमने सीएमओ साहब के साथ बात की टेलीफोनिकली तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो ये हमने आवाज़ अब हम इस पर अपने आपस में यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से बाला तर होकर हम यहाँ मीटिंग करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ चनाब टाइम्स के चैनल ने ये बात उठाई जिसका हम बेहद मशकूर और ममनून हैं। जो हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी उसमें पहल उन्होंने की, और मैंने वहाँ खुद कल देखा, और जैसे आपके चैनल ने भी कल दिखाया कि डॉक्टर साहिबान मौके पर मौजूद थे, पेशेंट वहाँ थे, कमरों में इतना अंधेरा था कि वो अपने मोबाइल की लाइट को जलाकर पेशेंट को देख रहे थे, और वो जो पर्ची जो पेशेंट वहाँ से काट के लाया था उस पर्ची के ऊपर टॉर्च लगा के वो देख रहे थे। तो ये डिजिटल इंडिया है हमारा, ये शर्म की बात है। तो मैं आपके चैनल की वसातत से अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो हाल ही में यहाँ तैनात हुए हैं और उनके साथ उनके हालात ज़िंदगी उनकी ज़बानी सुनते हुए हमें एक उम्मीद है उनसे कि ये जो बर्निंग इशू हैं, पब्लिक इशू हैं, इन पे वो फौरी तौर से कार्रवाई करेंगे, और मैं उनके कानों तक उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं आपकी वसादत से, और ये इस उम्मीद के साथ कि वो विद इन वीक टाइम इस बर्निंग इशू को हल करें, क्योंकि यहाँ एक्सरिया इस ज़माने में जब यहाँ एक्सरिया की सहूलियात यहाँ दस्तियाब नहीं, सहूलियात दस्तियाब हैं लेकिन बिजली की अदम मौजूदगी में हम एक्सरे नहीं कर सकते, हम अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे दूर की बात है, हम नुस्खे पे पर्ची पे दवाई नहीं लिख सकते हैं। तो ये इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और दुख की क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ जो है असगर हुसैन खांडे साहब थे, आपने इनकी ज़बानी सुना, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी इस वक्त काम कर रही है जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर के मसाइल को लेके काम कर रही है और आने वाले वक्त में काम करती रहेगी। बहरहाल हम भी उम्मीद रखेंगे कि जो जितने भी काम, जितनी भी कमियां इस खिताए चनाब के अंदर हैं, खिताए चनाब
बहुत सारी चीज़ें दे रहा है लेकिन बहुत सारी कमियां यहां है। तो नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि वो कमियां दूर हो जाएंगी। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।